बुरहानपुर में होली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हम मौजूद है बुरहानपुर के दुर्गा मैदान के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से होली ये मनाई जा रही है। हम बात करने की यहाँ से कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज आप? ये होली गुलाल से केवल राजस्थानी समाज और मारवाड़ी वुमेन्स की तरफ से खेली जा रही है और सब प्रेम से एकदम आनंद से यहाँ से निकलते हुए साड़ी बाजार में समापन होगा। क्या कहेंगे होली के पर्व पर? समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्योहार यही ऐसे ही प्रेम पूर्वक मनाते रहें, यही मेरी शुभकामना। आज होली है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे बुरहानपुर के सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली बड़ा रंगीन त्योहार है, सब प्रेम से मनाएं, आनंद से रहें और आगे बढ़े। होली के पावन पर है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस देश में खुशहाली रहे, सब खुश रहे, ऐसे व्यापार धंधे सब बढ़िया चलते रहे। तो हमने जानने की कोशिश किया है किस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें, बताइए किस तरीके से होली जो है खेली जा रही है यहाँ पे। होली जो है खेली जा रही है और भी हम आगे आपको तस्वीरें बताने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से होली जो है खेली जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं सब अपने जो है ढुलंडी का आज दिन है, ये होली जो है खेल रहे हैं आपस में, भाईचारे की होली। होली पावन पर्व है और होली की जो है धूम मच रही है। हम बात करने की कोशिश करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मारवाड़ी समाज की होली की गैर हम लोग हर साल निकालते हैं। इस साल भी बड़े ही हर्षोल्लास से मारवाड़ी वामंच और मारवाड़ी समाज दोनों मिलकर निकाल रहा है होली की गैर। और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करें, क्या कह रहे हैं? हम लोग पारंपरिक गाने पे, जो हमारे लोक गाने हैं उस पे पिछले 7 दिनों से प्रोग्राम चल रहा था हमारा चंका, और आज इसका समापन है राजस्थानी समाज का। हम लोग गैर निकालते हैं गांधी चौक तक जाकर, हम लोग सभी बुरहानपुर वासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। यहाँ पे चौक बजाए जा रहे हैं, हमने बात करने की कोशिश की है, क्या कुछ लेना पड़ा है सुनवाने की हमने आपको कोशिश की है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन शेख रहमान के साथ मैं दानिश अज़हर खान, BNC मीडिया बुरहानपुर। बुरहानपुर के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं होली की, मारवाड़ी वंश की तरफ से और पूरे राजस्थानी समाज की तरफ से।